हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट आपके पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को अगर आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पॉलिटिक्स, रीबर्थ, फ्लावरिंग, अबंडेंस, कंप्लीशन एंड सिज़ोफेनिया। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान पास में कुछ था, प्रेजेंट में कुछ है और फ्यूचर कुछ और ही इमेजिन कर रहा है। तो इस पर्सन ने पास में बहुत दुख सहा है, बहुत दर्द सहा है। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन पास में किसी डर में ना, जैसे कि अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, किसी बात का डर था और उस डर को इस पर्सन ने कुछ हद तक कम किया है। अब ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, इसीलिए ये पर्सन अब जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है उन चीज़ों को ना ये पर्सन पा भी लेगा। तो इस पर्सन ने जिन चीज़ों को पाने की ख्वाहिश की है उन चीज़ों को पाने की तरफ एक कदम ये पर्सन आगे बढ़ा चुका है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में कंप्लीशन लाना है और आपका साथ भी इस पर्सन को चाहिए। ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों की अगर बात नहीं हो रही है तो बहुत जल्द बात होगी, क्योंकि इस पर्सन ने सोच लिया है। ये पर्सन दिल में ना जैसे कि ठान चुका है कि आपको अपना बनाना ही है। आपको अपना बनाने के लिए इस पर्सन को जितनी भी कोशिश करनी पड़ी या ये पर्सन करेगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना एक ऐसे भी पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही हैं जिस इंसान की लाइफ में अबंडेंस आपकी वजह से है, खुशियाँ आपकी वजह से हैं। आप एक ऐसी प्योर सोल हैं जो इस पर्सन को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ये पर्सन जब कभी नेगेटिव होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इस पर्सन को आपको ना सोच करके ही काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। इस पर्सन के साथ आपका रिसेंटली ही कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा है और इस पर्सन से आप रिसेंटली ही मिले होंगे, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इस पर्सन से मिले। तो जब से आप इस पर्सन को मिले हैं ऐसा लगता है इस पर्सन को अपनी लाइफ में खुशियाँ जैसे कि ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि खुशियों पर इस पर्सन का भी हक है। कब तक ये पर्सन इस तरह नेगेटिव रहेंगे, पास में खोए रहेंगे और जो डर इस पर्सन को पास्ट में था उससे ये पर्सन अब निकल पाए हैं, कि जब ये पर्सन अपना ना ध्यान बटाने में कामयाब हुए हैं। इस पर्सन ने जब आपके बारे में सोचना शुरू किया है, अपनी खुशियों को आपके साथ जोड़कर देखना शुरू किया है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन चेंज हुआ है, जैसे कि इस पर्सन का रीबर्थ हुआ है। अभी अभी इस पर्सन ने इस दुनिया में कदम रखा है और अभी अभी इस पर्सन की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। तो अब ये पर्सन खुश रहने लगे हैं, आपके बारे में जब सोचते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका आना इस पर्सन की ज़िंदगी में जैसे कि ब्लेसिंग्स का आना है। इस पर्सन की एक ख्वाहिश तो पूरी हुई है कि आपके रूप में एक अच्छा और सच्चा इंसान इस पर्सन को मिल गया, और दूसरी ख्वाहिश इस पर्सन की है आपका साथ हमेशा बना रहे इस पर्सन के साथ। तो यह पर्सन अक्सर कोशिश भी करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस पर्सन के साथ बिताएं और आपका साथ इस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इस वक्त भी ये पर्सन या तो आपसे बात कर चुके हैं, या फिर अगर इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की तो बहुत जल्द ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन से इंतज़ार नहीं हो रहा। जैसे कि अभी भी ये पर्सन चाहता हो कि आप इस पर्सन से बात करें, ये पर्सन आपसे बात करे। तो इस पर्सन के दिल में जो कुछ भी होता है ये पर्सन आपको बताने का सोचता है और बताता भी है, क्योंकि आप दोनों अभी जिस तरह के रिश्ते में हैं ना उसमें अभी भी आपके बीच इतनी बातचीत नहीं हुई है एक दूसरे से जितनी कि ये पर्सन करना चाहता है। इस पर्सन को आपके साथ ना जो खुशी मिलती है ना वो खुशी ये पर्सन हमेशा चाहते हैं इस पर्सन की लाइफ में बनी रहे, जिसके बारे में इस वक्त भी ये पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन ने पास में बहुत दुख सहा है, दर्द सहा है। अब प्रेजेंट में ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ इस पर्सन को सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, खुशियाँ इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा है। इस पर्सन में करेज नहीं था, तो काफ़ी इस पर्सन में स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, करेज इस पर्सन में देखा जा सकता है। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जिसको देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते
कि ये पर्सन पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। तो बहुत कुछ इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बदला है और ये कम्प्लीशन इस पर्सन की लाइफ में तब से आया है जब से इस पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हुआ है। तो एक के बाद एक पहेलियाँ जैसे कि सुलझती जा रही हैं, आपके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने लगी हैं जो आपको भी इस पर्सन की तरफ खींच रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन सबसे हटकर है और आप भी इस पर्सन को सबसे अलग लगते हैं। तो इस पर्सन ने अब तक जितने भी लोगों से ना रिश्ते जोड़े हैं या बनाए हैं, उनमें से ना सबसे फेवरेट जो रिश्ता है ना आपके साथ में जो इस पर्सन का बना है वो है। भले ही आपने अब तक एक दूसरे के साथ में ज़्यादा वक्त नहीं भी बिताया हो ना या ज़्यादा बात नहीं भी की हो ना, तो भी ये पर्सन आपके साथ जो बॉन्ड शेयर कर रहा है ना, जो आपके बारे में सोच रहा है, वो इसी तरह की एनर्जीज़ हैं कि इस पर्सन को आपके होने से खुशी मिल रही है और ये पर्सन आपको सबसे अलग मानने लगा है, स्पेशल मानने लगा है, खुद के लिए और लकी भी मानने लगा है। तो आप इस पर्सन को एक ऐसा फ्लावर लग रहे हैं या एक ऐसी किंग या क्वीन लग रहे हैं जो इस पर्सन को अपने ना प्यार के जादू में ना ऐसे डुबोते जा रहे हैं कि ये पर्सन उस जादू से निकलना ही नहीं चाहता। ये पर्सन चाहता है कि पूरी तरह से ये पर्सन आपके प्यार में डूब जाए और आप इस पर्सन के प्यार में पागल हो जाएं। तो ये पर्सन ऐसी कोशिश करते हुए नज़र भी आ रहे होंगे कि ताकि आप इस पर्सन को अपने प्यार में ना पूरी तरह से पागल कर दें या इस पर्सन के प्यार में आप पागल हो जाएं। तो इस तरह ये पर्सन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन अब जो आपके बारे में सोच रहा है वो यहाँ पर इन सारे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन पहले कुछ था और अब कुछ हो गया है। आपके प्यार ने इस पर्सन को बदल दिया है, इस तरह जैसे कि इस पर्सन का रीबर्थ हुआ हो। पहले ये पर्सन एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है या फिर इस पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी जिनकी वजह से लोग इस पर्सन को एक अच्छा पॉलिटिशियन मानने लगे थे या फिर इस पर्सन की चालाकियों की वजह से इस पर्सन को लोग काफ़ी समझदार और माइंडेड मानने लगे थे। अब ऐसा लग रहा है कि आपने भी ऐसा ही सोचना शुरू किया है या फिर इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि अब इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो इस पर्सन के जैसा है, आप इस पर्सन के जैसे हैं। ऐसा भी इस पर्सन को कभी कभी फील होता है क्योंकि अब कुछ चीज़ें इस पर्सन ने अच्छी आपसे सीखी हैं और कुछ बैड हैबिट्स जो इस पर्सन की थी इस पर्सन ने छोड़ दी हैं आपके आने के बाद से। तो अब ये पर्सन खुद को संवारने में, निखारने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अच्छे से ना खुद को समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। पास में ये पर्सन डरे हुए सहमे हुए रहते थे, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन पर जैसे कि सवार थी, अब वो जो नेगेटिव एनर्जी थी ना वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस पर्सन की लाइफ में कम्प्लीशन आने जा रहा है, ये पर्सन खुद ऐसा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे इस पर्सन की लाइफ जैसे कि चेंज होती जा रही है और ये सारी चीज़ें आपके आने की वजह से हुई हैं, आपके आने से हैं, आपसे जब से इस पर्सन का रिश्ता जुड़ा है तब से स्टार्ट हुई हैं। तो ये पर्सन चेंजेस जो है ना महसूस कर पा रहे हैं और इसके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, इसलिए भी पर्सन सब कुछ जैसे कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ नया नया सा है इस पर्सन के लिए। और इस वक्त भी इसीलिए पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए फील कर रहा है, आपको मिस भी कर रहा है, बात करने का सोच रहा है। हो सकता है बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे और बहुत कुछ ऐसा आपको बताए जो कभी इस पर्सन से आपने सुना नहीं था। तो इसी एनर्जी में ये पर्सन है, इसी सोच विचार में नज़र आ रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।